नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त हम विक्रमगंज में मौजूद हैं, बिहार के रोहतास जिला के विक्रमगंज में, और अभी जिस स्थल के बाहर मौजूद है उस स्थल का नाम है काली स्थान। ये काली स्थान के ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ, देख पा रहे होंगे, और मैं अभी एक कैंपस में मौजूद हूँ। और ये कैंपस किसी और चीज का नहीं बल्कि भारत में जो बहुत ही लोकप्रिय चीज है जिसको सर्कस कहा जाता है, उस सर्कस के बाहर में मौजूद हूँ। देख पा रहे होंगे यहाँ पर तस्वीर लगाया हुआ है, यहाँ पर गेट है रोलेक्स सर्कस। जी हाँ, सर्कस जो पहले के लोग करतब दिखाया करते थे और लोगों का मनोरंजन किया करते थे, कहीं ना कहीं आज भारत में विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर इनके जो सर्कस के ओनर हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मुल्ला सदिक रहमान, हैप्पी बोल के सब पहचान था। इनके रोलेक्स सर्कस का मैनेजर, सर्कस के मैनेजर है। भारत में बहुत ही लोकप्रिय खेल हुआ करता था एक समय पर सर्कस, और आज कहीं ना कहीं सर्कस विलुप्त होते हुए नजर आ रहा है, क्या कारण है? देखिए, सर्कस जब से जानवर चल गया तब से सर्कस किसी हालत में ऑक्सीजन लेके जिंदा है। भारत भर से पहले बहुत बड़ा बड़ा सर्कस, जैसे ओलंपिक हो गया, नटराज हो गया, संभराज हो गया, वेस्टेंज हो गया, रॉकी हो गया, पानामा हो गया, जुगली हो गया, पद्मा हो गया, कोहिनूर सर्कस हो गया, माने सर्कस बंद दिखे। किसी हालत में हम लोग चाह रहा जो सर्कस शिल्पी को बचाना हम लोग का भी दायित्व है, भारत का प्रधानमंत्री बिहार गवर्नमेंट का भी चाहिए। जो सर्कस ऐसे चीज है जो बारी परिवार का साथ एक साथ में बैठ फेंक देख सकता, किंतु फिल्म एक साथ में बैठ के देख नहीं सकता। तो सर्कस शिल्पी कैसे बचेगा? हम लोग तो अप्राण कोशिश कर रहे, जिसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में 2 साल का अंदर बहुत सा कलाकार, कोई दिन मजूरी खाता, कोई खेत में काम करो, कोई कंपनी में चल गया, नया करके कोई शिल्पी नहीं मिल रहा। तो सर्कस शिल्पी यदि बंद हो जाएगा हम लोग अनहरे मर जाएंगे। जिस सर्कस शिल्पी कैसे बचेगा, उसको बचाने का दायित्व तो हम लोग का भी है, प्रेस वाला के भी है, भारत प्रधानमंत्री बिहार गवर्नमेंट का, सब यदि एक साथ में लेकर सर्कस शिल्पी बचाना जाए तो आशा करा जाए जो हम लोग मनोरंजन इससे भी अच्छा दिखलाएगा। को कहीं ना कहीं बर्बाद होने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जब से सर्कस का जानवर चल गया, हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ता, चिड़िया, तब से सर्कस का हालत खराब है। अभी का बच्चा लोग बताएगा जो हाथी खेल करता, घोड़ा खेल करता, कुत्ता खेल करता था, अब बोलेगा क्या दादू हम लोग का गल्पो व कहानी सुना रहा। तो 2-5 साल का बाद बच्चा लोग है तो इतिहास में किताब में पड़ेगा जो सर्कस बोल के कोई चीज था। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि आजकल जो फिल्में बन रही है, कहीं ना कहीं फिल्मों में अश्लीलता पर इतना भर दिया जा रहा है कि उसको फैमिली के साथ बैठ करके भी लोग नहीं देख पा रहे हैं। और ये ऐसा एक खेल है जिसको कहीं ना कहीं परंपरागत तरीके से लोग देखते आ रहे हैं, और मनोरंजन का सबसे सुंदर कारण हुआ करता था, सुंदर चीज हुआ करता था, जिसको लोग पहले के राजा महाराजा लोग भी बड़े चाव से देखा करते थे। लेकिन आज इसके मैनेजर साहब किस प्रकार से बता रहे हैं कि जब हाथी, घोड़े और तमाम जानवर इसके चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर्कस भी दिन पर दिन सर्कस का भी स्तर गिरते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, क्या निवेदन करना चाहेंगे सर व्यूअर में से, जो लोग देख रहे होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से? देखिए, उम्मीद तो रखा हम लोग आ रहा है बंगाल से, विक्रमगंज में सर्कस अच्छा ही चलता है। अभी भी देख रहे जी सर्कस का आदमी उत्सव है, विक्रमगंज के वासी जो बहुत दिन बाद सर्कस है, कहकर यहाँ तो सिनेमा हॉल भी बंद है, मनोरंजन का एक ही चीज है तो सर्कस है। और हमारा सर्कस में जो चीज है, जैसे एक नौजवान आदमी 6 पीस सिंगी मच खा के उगाल के बाद देख लाएगा, रशियन रूलर जगलिंग, रशियन रिंग डांस, तापरे विभिन्न धरण जिमनास्टिक, आज जोकर का तो इससे खेल है। अभी तक बच्चों ने कोई सर्कस में इसे जोकर का खेल नहीं है। यानी कि आप लोग जान पर खेल करके लोगों को मनोरंजन करवाते हैं? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग का आरबी जैसे चल रहा है, अभी भी हम लोग सोच रहे हैं 2-4 दिन का अंदर आरबी नया नया गेम देख लाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोगों के मनोरंजन मात्र के लिए ये व्यक्ति किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा ऐसा कर्तव्य करते हैं जैसे कि उसमें जान जाने के भी खतरा हो सकती है। अच्छा, तमाम सर्कस में सर ये दिखाया जाता है कि गड्ढा को खोद करके, जमीन को खोद करके उसमें लोग 2-2 दिन 4-4 दिनों तक रहते हैं और उससे ही सलामत निकलते हैं, इस तरह की भी जानलेवा खेल भी यहाँ पर दिखाया जाता है। देखिए, सर्कस लगाने के जो है बढ़िया जमीन नहीं मिलता, पहले जैसे स्टेडियम फिर स्टेडियम भी गंदा जमीन में हम लोग का सर्कस, उसको हम लोग का सफाई करने के 2 दिन टाइम लग जाता है। हम लोग सफाई करके जब रखते हैं उसके बाद पुनः जाने का टाइम माट को अब बार बार लेवल करके चल जाता है, रोलर भी चलाता है, किंतु तो भी हम लोग का बढ़िया माट नहीं मिलता। यानी कहना कि संसाधन की कमी होने के कारण बहुत सारा खेल आप जानते हुए भी, सारा संसाधन होने के बावजूद भी आप लोग नहीं देख पाते हैं।
नहीं देखा पता, जैसे पटना में गांधी हजिंग पार्क बहुत अच्छा के सर्कस का रूप था, अच्छा था से हजिंग पार्क सर्कस लगाने के बंद हो जाने से हम लोग का बहुत तबलीग हो रहा है। नाला हम लोग का इच्छा है कि बिहार का अंदर पटना में जितनी अनुमति बिहार गवर्नमेंट से मिलेगा हम लोग सरकार क्या निवेदन करना चाहेंगे अगर वो लोग आपको देख रहे होंगे इस खबर। बिहार गवर्नमेंट के एक ही अनुरोध है जो सर्कस शिल्पी कैसे पहचाना जाए वो लोग को थोड़ा सा नजर देगा तो हम लोग करके रहेगा। देख पा रहे होंगे बिहार सरकार का लोग, बिहार के केंद्र सरकार में बैठे लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक बंगाल से हुए व्यक्ति बिहार गवर्नमेंट से किस प्रकार से उम्मीद लगा करके कह रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया करके हमारे खेल को बचाया जाए। अच्छा सर, विक्रमगंज में जो लोग रहते हैं वो लोग रॉयल सर्कस को नहीं जानते हैं, जो लोग कर्तव्य को नहीं जानते उनको क्या निवेदन करना चाहिएगा? क्या उनको यहाँ पर आकर के कुछ देखने की सीखने की जरूरत है या क्या कहना चाहिए? देखिए विक्रमगंज में जब हम लोग सर्कस लगाए, सर्कस में यहाँ से पीरो का भी आदमी आ रहा है, पूछ रहा भाई आप लोग कहाँ से आए, कोई बोला नसीरगंज से आया, कोई बोला डुमराव से आ रहा है, कोई बोला कचोच से आया, कोई बोला नोखा में आया, मैंने विभिन्न चौमता लोग से हर गांव में हम पूछ रहा जी भाई आप लोग का सर्कस कैसी लगा, बोले ना बहुत अच्छा खेल लग रहा। ओपिनियन सब लोग बढ़िया दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा, कोई शिकायत नहीं कर रहा। हम लोग का हवाई झूला का खेलने, बाकी हम लोग का सभी आइटम है, और जो भी देख रहा कोई व्यक्ति बोल रहा नहीं जी सर्कस अच्छा नहीं लगा, सर्कस देख के बोले नहीं भाई आप लोग का सर्कस बहुत ही अच्छा है। तो विक्रमगंज बासिंदर नमस्कार, आप लोग दोबारा भी आइए सर्कस देखने। आप प्रेस बंधुदेर हमारा रिक्वेस्ट है जो आप लोग को पूरी भरसा, आप लोग यदि ठीक मतलब हम लोग का प्रचार विभाग बचिए रखें तो सरकस शिल्पी को बचा सकते हम लोग। ये समय बता दीजिए कब कब किस किस समय पर ये खुलता है, किस किस समय पर लोग यहाँ पर आ सकते हैं विक्रमगंज वासियों? विक्रम इनके रोलेक्स सर्कस विक्रमगंज कालिस्तान के पास चल रहा है रोजाना 300, पहले सो दिन को 1 बजे, दूसरा सो 4 बजे, तीसरा सो शाम को 7 बजे। और टिकट मूल्य है गैलरी 70 रुपया, चेयर 100 रुपया, चेयर 150 रुपया। 150 रुपया और 70 रुपये में क्या फर्क होता है? आगे पीछे का कुर्सी का मतलब 150 रुपये में आगे बैठा देख पा रहे होंगे आप लोग, तो 150 रुपये प्रयास करते हैं तो कृपया करके विक्रमगंज वासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार अगर आप लोगों को भी इस तरह की खेल में दिलचस्पियां हैं ना तो एक बार रॉयल सर्कस में आने का प्रयास करिए। इस तरफ तमाम तस्वीरें लगी हुई है कि किस प्रकार से ये लोग कर्तव्य यहां पर दिखाते हैं। विशेष आप लोगों से निवेदन करूंगा विक्रमगंज काली स्थान के पास ये लगा हुआ है डुमराव रोड में, यहाँ पर एक बार आने का प्रयास करें। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूँ एक और इस खबर का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।